हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक जो बात किया था वो हम लोगों ने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था? लैसी। अब बात कर रहा है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा पार्ट। लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके अंदर हम लोगों को दो चीजें पढ़ना है। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी और दूसरा बात करना है ब्रेक इवन। लीज रेंट, तो लीजिंग कंपनी के एंगल से बात करना। अच्छा ये बताओ कि लीजिंग कंपनी करती क्या है काम? सर लीजिंग कंपनी ना लीज पे देती है। बिल्कुल सही। तो लीज पर क्या देती है? एसेट तो खरीदती भी तो होगी। तो मेरा यहाँ इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि एसेट खरीदना है और लीज पर देना है। एसेट खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो, और लीज रेंटल आएगा, कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस करूंगा तो एनपीवी आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो कैपिटल बेस्टिंग टाइप का। एग्जैक्टली कैपिटल बेस्टिंग है टोटली। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अब सुनो, मेरा पैसा कहाँ जाएगा? एसेट खरीदूंगा तो पैसा जाएगा जी सर। डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? मैं, या जिसको मैं लीज पे दे रहा हूँ वो? सर आप ही तो चार्ज करोगे। हाँ, तो मेरा टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन होगा। और सोचते हैं इसके अलावा, क्या 5 साल बाद मैं एसेट बेच सकता हूँ? यस। तो बेचने पे जो मिलेगा वो टर्मिनल वैल्यू। तो मेरे कैश आउटफ्लो में जो आएगा, और कैश इनफ्लो में मुझे क्या मिलेगा? लीज रेंट। पर जो रेंट मिलेगा उस पे तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वो होगा मेरा कैश इनफ्लोस। ठीक है सर, ये तो वैसे ही है। हाँ बेटे, सर फॉर्मेट की जरूरत है वैसे तो नहीं है, पर बना लीजिए ज्यादा अच्छा। तो पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ठीक है सर, टेबल वैसी ही बननी है जैसी बन रही थी। सबसे पहले आएगा ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। और यहां सुनो, अब की बार यहां क्या आएगा? लिखूंगा ए, और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ जाएगा बेटे? कैश आउटफ्लोस। कैश आउटफ्लोस। चलो जी, क्या करोगे आप? सर हम मशीन खरीदेंगे, तो यहां जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट। कब खरीदेंगे? आज। यहां आज का फैक्टर वन। क्या होगा? टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। मान के चल रहा हूं आपका एसएलएम मेथड है, तो ये टैक्स सेविंग्स हो जाएगा। और फिर हम क्या बेच सकते हैं? हम मशीन बेच सकते हैं, तो यहां जाएगा टर्मिनल वैल्यू। तो यहां जो आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा मैं PVCO ए। ठीक है सर। बी यहां क्या लिखोगे? कैश इनफ्लोस। और यहां आएगा रेंटल इनकम। बेटे अब इनकम है ना, और इसको भी हम नेट ऑफ टैक्स कर लेंगे जैसे कर रहे थे, 1 to 5। और यहां आएगा टोटल ऑफ
बी, दिस इज पीवीसी सीआई। सर एक बात बताओ, जैसे इधर माइनस कर रहे, इसको यहाँ ऐड कर सकते कि बिल्कुल कट सकते, पर ये हमारा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अब एन पी भी निकाल लोगे, बी माइनस ए, अगर एन पी वी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल है। दूसरा क्या आ सकता है यार, मैं एसेट तो खरीद रहा हूं, सामने वाला पूछ रहा भैया लीज पे कितना दोगे, तो कम से कम मैं कितना लीज रेंट चार्ज करूं कि ये मेरा पैसा रिकवर हो जाए, जितना पैसा जा रहा है उतना तो रिकवर हो जाए। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन लीज रेंट, बस और कुछ है नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी सारा काम वही है, जीरो पीरियड में हो तो क्या होगा, टैक्स सेविंग ईयर एंड में होगा, सारी चीजें वही। अच्छा, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, तो चिंता करने की बात ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन ले रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, पेज नंबर 25। लिखा एबीसी लीजिंग लिमिटेड हैज बीन अप्रोच्ड, एबीसी कोई लीजिंग लिमिटेड है और उसके पास अप्रोच्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू परचेस अ मशीन, कोई मशीन खरीदने के लिए आया, टू परचेस नहीं, हम गए मशीन खरीद के लिए, मशीन खरीद के हम उसको लीज पे देना चाहते हैं। ठीक सर, पता कैसे लगा लीजिंग कंपनी का क्वेश्चन है, मतलब लेसर के पॉइंट बेटे, एबीसी लीजिंग लिमिटेड यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उससे पता लग रहा। फाइनेंशियल पैरामीटर ऑफ द प्रपोजल दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मशीन है 50 लाख, लीज रेंट पर एनम एट द ईयर एंड दे रखा है 16 लाख, टैक्स का रेट है 40%, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10%, मेंटेनेंस कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय एबीसी, मेंटेनेंस भी हमको देना है 1 लाख रुपए पर एनम, तो आएगा नेट ऑफ टैक्स ले लेंगे, लाइफ ऑफ मशीन है 5 साल, एडवाइस एबीसी लिमिटेड द प्रपोजल बाय कंप्यूटिंग एनपीवी, एनपीवी निकालना, एज्यूम द मशीन अंडर कंसिडरेशन हैज एन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2 लाख। ठीक है, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन पी वी। टेबल वैसी ही बनना है जैसी बना रहे थे। यहाँ आ जाएगा ईयर, ये पक्का दे दिया रहेगा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, ना दिया हो तो बेटे ऐसा होगा ही नहीं, तो बेकार का क्वेश्चन नहीं करोगे। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न दिया है, इसमें कितना परसेंट, 10%। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले क्या लिखना, कैश आउटफ्लोस, तो सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट मशीन, कब 0 1 50 लैक्स, ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा दिया, एसएलएम, अच्छा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी है, वो भी लिख लेते, हम ही को बियर करना, हम एबीसी लिमिटेड, मेंटेनेंस एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स ले रहा हूं, तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना, 1 लाख, 1 माइनस टैक्स का रेट कितना है जी, 40%, मतलब 60,000 सर। यस सर, ये कैश आउटफ्लो है, हाँ 1 2 5 5 ईयर है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5, 1 2 3 4 5 जी, ठीक 3.7908, 60,000 × 3.7908, तो ये आ गया 227,448। अब क्या आएगा, अब आएगा टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, मशीन कितने की है, 50 लाख, स्क्रैप वैल्यू चेक करो 2 लाख, कितना लाइफ है 5, और टैक्स का रेट कितना है 40%,
48 लाख डिवाइडेड बाय 5 × 40%, तो बेटे ये आ गया 384,000, 125, 3.7908। तो ये हो गया 1455667। लास्ट में और क्या आएगा, टर्मिनल वैल्यू 5th ईयर में, 1 डिवाइडेड 1.10, 1, 2, 3, 4, 5, 0.6209। अब बेटे 5 साल बाद हम तो बेच सकते हैं मशीन, क्योंकि हम लीजिंग कंपनी, कितने की बिकेगी, 2 लाख, और एसएलएम मेथड है तो 2 लाख ही बुक वैल्यू है, तो कैपिटल गेन का चक्कर ही नहीं है। तो सीधा सीधा हम यहां क्या लिख सकते हैं, 2 लाख पैसा आएगा, तो माइनस 2 लाख × 0.6209, तो बेटे ये आ गया 124,180। तो 50 लाख प्लस 227,448 माइनस 1455667 माइनस 124,180, तो ये हो गया 364,7601। बी अब हमको मिलेगा क्या, मिलेगा रेंटल इनकम। सर लीज रेंट नहीं लिख सकते कि लिख सकते हो, पर इनकम दिखाने से ना मुझे पता लग जाता कि मैं दे रहा हूं, नेट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, कितना लीज रेंट मिलने वाला है, 16 लाख, पर जो रेंट मिलेगा उस पे तो टैक्स कट जाएगा, यस, तो 1.6, तो मुझे तो 9,60,000 ही मिलेगा, कितने साल तक, 1 to 5, 3.7908, तो ये आ गए 363,9168, 363,9168, दिस इज टोटल ऑफ बी, और ये आया था टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, तो क्या एनपी भी निकल सकता है, हाँ, बी माइनस ए, ये नेगेटिव आ गया, 8,433, एनपीवी नेगेटिव है, तो क्या प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, तो आंसर आएगा सिंस एनपीवी इज नेगेटिव, हेंस प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 5। सर ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या आपकी नजरों में, चलो भाई देख लेता हूँ जो करने लायक, क्वेश्चन नंबर 19 में निकाल रखा था, अच्छा सा क्वेश्चन, हाँ वाकई अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बेटे, प्रैक्टिस मान लो क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 30, चलो जी लिखा था फाइनेंस, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 30, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन इज, फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन इज एनालाइजिंग फर्म पॉलिसी रिगार्डिंग कंप्यूटर्स विच आर नाउ बीइंग लीज्ड ऑन ईयरली बेसिस ऑन रेंटल अमाउंटिंग ₹1 लाख पर ईयर। तो लीज पे लेने की बात कर रहा सर, हाँ ठीक है देखते हैं ना यार, तो भाई लीज पे आप ले सकते हो, 1 लाख रुपए 1 साल का देना पड़ेगा,
कंप्यूटर कैन बी बॉट फॉर ₹5 लाख। अगर लीज पे लेते हो तो ₹1 लाख लीज रेंट देना पड़ेगा, अगर आप खरीद लेते हो तो ₹5 लाख का पड़ेगा। परचेस वुड बी फाइनेंस, पर सुनो फाइनेंस करवा के। सर ये तो वही पिक्चर फिर से आ गई। हाँ भाई, 16% के हिसाब से आप फाइनेंस करवा सकते। लोन इज रिपेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 4 ही साल। ऑन अकाउंट ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, इट इज सजेस्ट दैट 4 ईयर इकोनॉमिक लाइफ शुड बी यूज्ड इंस्टीट ऑफ 10 ईयर्स फिजिकल लाइफ। उसका ये कहना है कि देखो भाई, है तो वैसे 10 साल लाइफ, लेकिन हम जो टेक्नोलॉजी है ना वो तो चेंज होते रहती है, तो बोले हम 4 साल तक रखेंगे, 4 साल बाद बेच देंगे। तो हमें इकोनॉमिक लाइफ यूज करना, डेप्रिसिएशन निकालना या जो भी करना इकोनॉमिक। सो तो 10 ईयर्स का क्या यूज है? हमारे लिए कोई यूज नहीं। ओके सर, हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है इकोनॉमिक लाइफ से। इट इज एस्टिमेटेड दैट कंप्यूटर वुड बी सोल्ड 2 लाख, बोल भी दिया कि हम भाई 4 साल बाद ₹2 लाख में बेच देंगे। और कंपनी एसएलएम मेथड का यूज, तो सर एसएलएम मेथड से जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय लाइफ, तो लाइफ कौन सी लेंगे? इकोनॉमिक लाइफ। और टैक्स का रेट कितना है? 35%। पहले में तो पूछ रहा कि बताइए खरीदे या लीज पे ले, दूसरे में बोल रहा फाइनेंशियल वायबिलिटी निकालना किसके पॉइंट ऑफ व्यू, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेना। तो दोनों पूछ लिया। डिटरमाइन द मिनिमम लीज रेंट एट विच लेसर वुड ब्रेक इवन, ये लो भाई सब कुछ है, बेहतरीन क्वेश्चन लिख लो चाहो तो, इंपॉर्टेंट सब कुछ इसी में कवर हो जाए। तो सबसे पहले बात किसकी करूं? पॉइंट नंबर 1, लेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। और हमको क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ पीवीसी। एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ आएगा ईयर, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहाँ अमाउंट और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना? सर 14% ले लेते बेटे, 14% लेसी का नहीं दिया, लेसर का दिया, तो फिर इसका तो एक ही रूल्स। आई दिया है 16%, 1 माइनस 0.35, 16 × 0.65। आपको यहां लेना पड़ेगा 10.4%। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, लीज ऑप्शन। चेक कर लो कि क्या ईयर एंड लीज रेंट है। ईयरली बेसिस ₹1 लाख पर ईयर, बस ईयर एंड ही मानना पड़ेगा, कुछ बोला नहीं। ठीक है सर, तो सर फिर तो नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा। यस, लीज रेंट नेट ऑफ टैक्स कितना है? 1 लाख, 1 माइनस 0.35, 65,000 आ जाएगा लीज रेंट। कितने साल? 4 साल। 1 डिवाइडेड बाय 1.104, 1, 2, 3, 4 जीटी, ये आ गया 3.1426। कितने साल? 4 साल। तो 65,000 × 3.1426, तो ये आ गया बेटे 204269। अब क्या करना? ऑप्शन नंबर 2, कौन सा लोन ऑप्शन? और लोन ऑप्शन में सबसे पहले क्या था? इंस्टॉलमेंट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट,
तो चलो इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं। और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आपको पता है। बोलो बेटे कॉस्ट कितना एसेट का? एसेट का कॉस्ट है 5 लाख। और आपको लेना PVAF कितना परसेंट? 16%। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.16, 1, 2, 3, 4 GT, ये आ गया 2.7982। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.7982, तो ये आया 1,78,686। दिस इज इंस्टॉलमेंट 1 to 4, 1 to 4, 3.1426। तो यहाँ आ गया 1,78,686 into 3.1426। तो ये आ गया बेटे 5,61,539 ले लूँ। ठीक, अब एक मुश्किल काम बचा है, और क्या बचा है? वो बचा है टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। इसके लिए तो वर्किंग नोट बनाना ही पड़ता। वर्किंग नोट नंबर 2, 1, 2, 3, 4, फैक्टर भी लिखे थे। 1 डिवाइडेड 1.104, 1.9058, 0.8205, 0.7432, 0.6732। अब बस वो वाला काम कर ले, इंस्टॉलमेंट वाला। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे जो कॉलम रहेगा उसमें रहेगा ईयर 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? इंस्टॉलमेंट कितने कितने किए? 1,78,686, 1,78,686, 1,78,686 and 1,78,686। सर इसके बाद क्या आता? इसके बाद आता इंटरेस्ट, जो कि आपको 16% से चार्ज करना। उसके बाद प्रिंसिपल का रीपेमेंट आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और आपका मशीन का कॉस्ट कितना है? 5 लाख। तो पहली बार 5 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। तो 5 लाख का 16% 80,000 माइनस 1,78,686, 98,686 प्लस 5 लाख, तो यहाँ बैलेंस कितना बचा? 4,01,314 into 16% 6,264,210 माइनस 1,78,686 1,14,476 4,01,314 2,86,838 into 16% 4,58,894 माइनस 1,78,686 1,32,792
1 5 4 0 4 6 1 5 4 0 4 6 माइनस 1 7 8 6 86। तो बेटे ये आ गए 24640। ठीक, तो ये है इंटरेस्ट और इसका टैक्स सेविंग कितना परसेंट लेना हमको 35%। तो पहले 0.35 लिख दूं, 0.35 इंटू 80,000। तो पहले साल का आ गया 28,000, ब्रैकेट लगा देता हूँ, 64210। ये आ गया 22473, फिर 45894, ये आया 16063 एंड 24640। ये है 8624। ठीक है, 28,000 इंटू 0.9058 25362 इंटू 0.8205 18439 16063 इंटू 0.7432 11938 और 8624 इंटू 0.6732 5806। चलो भाई ये काम तो हो गया सर, अब और क्या बचा इसमें लोन ऑप्शन में, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। मशीन का कॉस्ट कितना है 5 लाख माइनस, चेक करो सैलवेज दे रखा है क्या, हाँ कितने में बेच दो के बोल रहा, 2 लाख। कितने साल बाद, 4 साल बाद। टैक्स का रेट कितना लेना है, टैक्स का रेट लेना 35%। तो चलो देख लेते हैं, तो यहां जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 35%, तो यहां आएगा 124 26 250। फैक्टर हो जाएगा 3.1426 26250 इंटू 3.1426 26250 इंटू 3.1426। तो ये आ गया बेटे 82493। अब लास्ट में क्या जाएगा, टर्मिनल वैल्यू, कौन सी ईयर में, फोर्थ, और फोर्थ ईयर का फैक्टर है 0.6732। फोर्थ ईयर में कितने की मशीन, 2 लाख की बिकेगी, और हमने सैलवेज भी 2 लाख ही ले रखा है, एसएलएम मेथड है, तो कैपिटल गेन टैक्स तो कुछ आएगा ही नहीं, आप हिसाब किताब कर लिया करो, हमें पूरा 2 लाख ही मिलेगा। तो 2 लाख इंटू 0.6732, तो ये आ गया 134640। चलो देखते हैं, 561 539 माइनस 25362 माइनस 18439 माइनस 11938 माइनस 5806 माइनस 82493 माइनस 134640। तो लोन ऑप्शन में आया 28861 और यहाँ आ रहा 204269। बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, नो डाउट आंसर आएगा लीज ऑप्शन इज बेटर। तो ये था पॉइंट नंबर 1, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ।
अब आपसे क्या मांगा गया है, आपको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करनी है। सर फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब होगा पॉइंट नंबर टू, लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, और हमको लेसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। सर टेबल वैसी ही बनेगी? हाँ भाई हाँ, टेबल वैसी ही बनेगी जैसा आप बना रहे हैं। पहला ईयर, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट लेना है, 16%, फिर अमाउंट और फिर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले पैसा जाएगा कैश आउटफ्लोस। सर ये भी फाइनेंस करवाए कि नहीं बेटे, इसका कैश में खरीदेगा, बात खत्म हो गई। यहां आपको कुछ फाइनेंस वाइनेंस नहीं लेना, सीधा उठाना कॉस्ट ऑफ मशीन जीरो पीरियड में। वन, मशीन का कॉस्ट कितना है, 5 लाख, तो यहां लिखा 5 लाख। ठीक है, और क्या होगा, और होगा टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। कितने साल का सर, 1 to 4? बिल्कुल, और 1 to 4 14% का फैक्टर कितना आएगा, 1 divided 1.14, 1, 2, 3, 4 जी टी, 2.9137। सर टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन क्या इतना ही आएगा, हाँ 26250 आएगा, क्या फर्क पड़ रहा। ठीक है सर, 26250, तो 26250 इंटू 2.9137, तो ये आ गया 7, 6, 4, 8, 5। इसके अलावा सर और क्या आएगा, और आएगा टर्मिनल वैल्यू, कौन सी ईयर में आएगा, फोर्थ। फैक्टर कितना लेंगे, फैक्टर तो 14% वाला लेना, 1 divided 1.14, 1, 2, 3, 4, 0.5921, कितना मिलेगा, 2 लाख, 2 लाख इंटू 0.5921, तो ये आ गया 118420। तो बताओ बेटे कैश आउटफ्लो कितना आ गया, 5 लाख माइनस 76485 माइनस 118420, तो ये हो गया 305095। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो में क्या मिलेगा हमको, रेंटल इनकम नेट ऑफ टैक्स। तो क्या करना है सर, इसमें कितना मिलेगा रेंट, 1 लाख, टैक्स कट के कितना मिलेगा, 65,000। कितने साल तक मिलेगा, 1 to 4, और 1 to 4 का फैक्टर कितना है, 2.9137, तो 65,000 इंटू 2.9137, तो ये आ गए 189391। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। एनपीवी निकाल सकते हैं, यस, बी माइनस ए, तो ये नेगेटिव है 1157 04। क्या हमें प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रपोजल हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है। ठीक, तो पॉइंट नंबर टू हो गया, पॉइंट नंबर टू में भी कोई दिक्कत नहीं थी।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री। अब भाई सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। सर सर लीज पे देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास से पैसा जा रहा है इतना, और पैसा आ कितना रहा है? सर पैसा आ रहा है सिर्फ इतना, अगर मैं 1 लाख रुपए लू ना लीज रेंट, मना कर दो भैया, नहीं हो सकता, बात खत्म, क्योंकि मेरा पैसा बहुत सारा जा रहा है और पैसा तो आ ही नहीं रहा। तो अब क्वेश्चन ये है कि बताओ कितना मिनिमम लीज रेंट ले, ये निकालना मुझे, कितना लीज रेंट ले, कितना कि हमारा ये कॉस्ट रिकवर हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट नंबर थ्री में पूछा है, लेसर के ब्रेक इवन लीज रेंट निकालना। पॉइंट नंबर थ्री, ब्रेक इवन लीज रेंट, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनना ध्यान से। और उसमें क्या लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मानते हो आप? वो निकल चुका है कैश आउटफ्लो कितना, 30,50,95। कैश इनफ्लो कितना ले, 1 लाख नहीं, कितना, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, एक्स, इट मीन्स एक एजम्पशन डालना पड़ेगा, लेट एज्यूम एनुअल लीज रेंट बी एक्स, तो एक्स लिखा और यहां 1 माइनस 0.35 किया। ठीक है, वो एक एक्स तो यहां आ गए वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू 2.9137, बस। तो करते हैं 305095 इज इक्वल टू 0.65x इनटू 2.9137। सर पहले यही मल्टीप्लाई कर देते तो भी चलेगा, 305095 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.65 इंटू 2.9137, तो ये आ गया 1.8939x, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 305095 डिवाइडेड बाय 1.8939, 305095 डिवाइडेड बाय 1.8939, तो आंसर आ गया लीज रेंट लेना चाहिए हमें 1 लाख नहीं, 1,61,161,093, दिस इज मिनिमम लीज रेंट। तो भाई मिनिमम लीज रेंट मांगेगा ना, तो आपको एनुअल लीज रेंट को एक्स लेना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। तो बात खत्म हो गई क्वेश्चन नंबर 19, बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर कौन सा, 25 ही ना, हाँ 25। पढ़ते क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फेयर फाइनेंस लिमिटेड, सुनो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा हूँ, फेयर फाइनेंस लिमिटेड अ लीजिंग कंपनी, लीजिंग कंपनी मतलब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही, हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इंटेंडिंग टू एक्वायर ए मशीन। कोई कस्टमर आया और पहले तो हम मैन्युफैक्चर, जो मशीन का मैन्युफैक्चरर, उससे मशीन खरीदेंगे और उसके लीज पे देंगे, और कितने रुपए की मशीन पड़ रही है, कैश डाउन प्राइस मतलब कैश में खरीदोगे तो कितने की, 3 करोड़ लैक्स में बताओ, 300 लैक्स। ठीक है, द कस्टमर इन ऑर्डर टू लेवरेज हिज टैक्स पोजिशन हैज रिक्वेस्टेड ए कोट फॉर 3 ईयर लीज, और उसको मैं खरीद के लीज पे देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमको लीज रेंटल निकालना है, और लीज रेंटल जो है वो पैड होगा हर ईयर के एंड में, 3 साल में,
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, डिमिनिशिंग मैनर सर, डिमिनिशिंग मैनर कम, मचिंग मैनर सच दैट दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसका मतलब कि भाई हम मशीन खरीदेंगे 300 लाख का, लीज पर देंगे, पर लीज एक जैसा नहीं लेंगे, लीज लेंगे 3:2:1। इसका मतलब पहले साल ज्यादा, फिर कम, फिर कम, मतलब पहले साल 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर इस तरह से लेंगे। तो एक्स तो मानना पड़ेगा। हाँ तो सर ऐसा ले लेते हैं, 3x 2x x। हाँ तो बताओ आप x किसको मान रहे हो, पहले साल को x कि थर्ड ईयर को, थर्ड ईयर को x, तो सेकंड ईयर को 2x, तो फर्स्ट ईयर में 3x, 3 2। ठीक है सर, कर लेंगे हम, अगर लीज रेंट मांगेगा तो। डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पे, फेयर फाइनेंस का मार्जिनल टैक्स रेट है 35% और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। आपको लीज रेंट बताना है इन 3 सालों का। स्टेटमेंट में कर रहा हूं, लेट एज्यूम लीज रेंट फॉर थर्ड ईयर BX, उसको हमने एक्स ले लिया, तो सबसे पहले आ गए आपका ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है, डिस्काउंटिंग रेट लेना है 10%। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख ले, कैश आउटफ्लोस, कॉस्ट ऑफ मशीन 0, 1, 300 लैक्स, 300 लैक्स। डेप्रिसिएशन है क्या, हाँ, SLM बेसिस पे कोई सैलवेज दे नहीं रख, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन 300 डिवाइडेड बाय 3, 3 ही साल लाइफ है, इन टू टैक्स का रेट कितना, जरा देखो 35%, तो सर ये तो 35 लैक्स हो गया। यस, 1, 2, 3, हाँ, 1 डिवाइडेड 1.10, 1, 2, 3 GT, तो फैक्टर आया 2.4868, 35 इंटू 2.4868, तो ये है 87.038। टर्मिनल वैल्यू आएगा नहीं, सैलवेज दिया नहीं, और डेप्रिसिएशन का मेथड SLM है, तो यहाँ जाएगा 300 माइनस 87.038, तो ये आ गया 212.96। अब बात किसकी करेंगे, बात करेंगे कैश इनफ्लोस की। अब कैश इनफ्लो में सबसे पहले क्या करेंगे, कैश इनफ्लो में सबसे पहले प्लीज रेंट आएगा, नेट ऑफ टैक्स, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। फर्स्ट ईयर में हमने क्या माना था, 3x, 1 माइनस 0.35, इसमें क्या माना था, 2x, 1 माइनस 0.35, और इसको क्या माना था, x, 1 माइनस 0.35, तो 3 इंटू 0.65, यहाँ आएगा 1.95x, 2 इंटू 0.65, यहाँ आ जाएगा 1.30x, और यहाँ आएगा 0.65x, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 0.9091, 0.8264, 0.7514,
1.95 × 0.9091, तो यहाँ गए 1.7727x, 1.30 × 0.8264, 1.0743x, 0.7514 × 0.65, 0.44 नहीं 488 4x, सबको जोड़ लेते हैं। तो 1.7727 प्लस 1.0743 प्लस 0.4884, तो ये आ गया 3.335x। बस हमको देखना PVCO इज इक्वल टू PVCI 212.96 3.335x, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 212.96 / 3.335, आंसर आ रहा है 63.85 lakhs। ठीक है, ये थर्ड ईयर का निकला है, तो अब इसको अच्छे से लिख देते हैं। लीज रेंट, ये आया फर्स्ट ईयर का, ये आया सेकंड ईयर का, और ये आया फर्स्ट ईयर का। ये तो ये है ही, ये आया 127.70 lakhs, और ये आया 191.55 lakhs। बस अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन और ले रहे बेटे, ये भी आपके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 30। चलो जी पढ़ रहे हैं। आर्मडा लीजिंग कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू लीज आउट ए स्कूल बस। कोई लीजिंग कंपनी है, उनके पास स्कूल वाले आए और बोलते यार हमको बस चाहिए लीज पर। ठीक है, द बस कैन बी, द बस कैन बी परचेज फॉर ₹5 lakhs, 5 lakh rupees में बस खरीद सकते। मैं लीजिंग कंपनी में 5 lakh rupees में बस खरीदूंगा और उसको लीज पर देना 1,25,000 पर ईयर फॉर 8 years, ओके, विथ पेमेंट अकरिंग एट एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 lakh rupees की बस खरीदना, 1,25,000 पे रेंट पे देना। ठीक है, और लीज पेमेंट कब होगा? ईयर एंड लीज रेंट। एस्टिमेट द IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी एज्यूमिंग टैक्स, इज एज्यूमिंग टैक्स इज इग्नोर्ड। IRR तो अपना कैपिटल वेस्टिंग है, सोचते हैं टैक्स तो आई नहीं, हर साल आएगा 1.25, कितने साल तक? 8 साल तक, और उसको इस रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे कि मेरा 5 लाख हो जाए या एनपीवी क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो सर पहली बात क्या क्या आता है, जैसे कैश आउटफ्लो है, एनपीवी निकालते कैसे, कैश इनफ्लो में, कैश आउटफ्लो में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि टैक्स ही नहीं है। टर्मिनल वैल्यू कुछ सैलरीज दे रही रखा है, तो कैश आउटफ्लो में सिर्फ 5 लाख आएगा। कैश इनफ्लो में लीज रेंट, टैक्स तो है ही नहीं, तो सिर्फ लीज रेंट आएगा। तो बस मैं वही काम करने वाला हूँ, मुझे क्या निकालना, IRR, पॉइंट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ IRR, IRR is a
रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटिंग रेट बोल लो यार, सीधा सीधा डिस्काउंटिंग रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, हम कर चुके हैं। पहले को कितना परसेंट ले, चलो 10% ले लेते हैं। लेट एज्यूम डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू 10% एनपीवी कितना आएगा, 125,000। पीवीएफ कितने परसेंट का, 10% का, कितने साल का, 8 साल, माइनस कितना कर देंगे, 5 लाख। एनपीवी जीरो आना चाहिए, 1 डिवाइडेड 1.10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीटी, तो ये आ गया 5.3349। तो 5.3349 इंटू 1,25,000 माइनस 5 लाख, तो भाई ये तो पॉजिटिव है। एनपीवी 166,862, ये तो बड़ा सारा पॉजिटिव है यार। अब कितने पे निकालते, एक बार 5-5% का गैप ले देते, भगवान करे अब आ जाएगा। 1,25,000 इंटू माइनस 5 लाख, पीवीएफ लेते अब की बार ले रहा हूं मैं 15%, कितने साल का, 8 साल का। 1 डिवाइडेड 1.15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीटी, 4.4873, 1,25,000 इंटू 1,25,000 इंटू 4.4873 माइनस 5 लाख। ओहो अभी भी एनपीवी पॉजिटिव है, 60912। कोई बात नहीं सर, 20% ले लेते, पक्का नेगेटिव है, याद रखना आईआरआर आप पढ़ चुके हो। 1,25,000 इंटू माइनस, मुझे मारना लगाना पीवीएफ कितना परसेंट, 20%, कितने परसेंट का, 8 साल का। 1 डिवाइडेड 1.20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जी टी, 3.83, 7172 ले लूँ, 72 माइनस कितना, 5 लाख। तो 1,25,000 इंटू 3.8372 माइनस 5 लाख, अब आ गया नेगेटिव, यह आया 20,350। अब निकल सकता आईआरआर, आईआरआर मतलब आईटीएम जो आप निकालते थे ना सिक्योरिटी एनालिसिस में, वही चीज है। बाकी कैपिटल बेस्टिंग तो आपका किया हुआ है, तो भाई 15% पर एनपीवी कितना आ रहा है, 166, ये तो 10 पे है, 15 पे ये है, 60912, ठीक है। और जैसे ही आपने 5% बढ़ाया तो कितना आ गया, 20350, जबकि मुझे एनपीवी चाहिए 0, तो कितने परसेंट से बढ़ा रहा हूँ, 5% से, तो क्या ये भी बढ़ रहा है, यस 60912 माइनस 20350, 405, नहीं माइनस नहीं होगा ना यार, ये तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, 60912 प्लस 20350, तो ये आ गया 81262 से डाउन हो गया, जबकि मुझे डाउन करवाना 60912 से। तो आईआरआर इज इक्वल टू 15 तो लगेगा ही लगेगा, 60912 डिवाइडेड बाय 81262 इंटू 5, 60912 डिवाइडेड बाय 81262 इंटू 5 प्लस 15, तो ये करीब करीब बेटे 18.75% आ रहा है आयर, ठीक।
ये था पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट चार्ज बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न 20%। इस बार 20% डिस्काउंटिंग रेट दे दिया, एनुअल कंपाउंडेड, वैसे भी हम ये कंपाउंडेड ही लेते हैं जो रेट निकलता है। बिफोर एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, मतलब यही कैश आउटफ्लो है, यही कैश इनफ्लो है। तो बताइए मिनिमम लीज रेंट क्या होगा, तो काम वही करेंगे। पॉइंट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम लीज रेट एट IRR कितने परसेंट पे, 20%। अगर 20% कमाना चाहते हो तो लीज रेंट क्या होगा। ठीक है, PVCO इज इक्वल टू PVC, लेट एज्यूम एनुअल लीज रेंट BX। ठीक है, बताओ बेटे कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 5 लाख इज इक्वल टू, हर साल कितना लीज रेंट आएगा सर वही तो पता करना, एक्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे PVAF कितना परसेंट, 20% कितने साल का, 8 साल का, अभी तो किया था 1/1.20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जी ठीक, 3.83712 ले लेता हूँ, तो क्या एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ सर, फाइव लैख डिवाइडेड बाय 3.83712, तो मिनिमम लीज रेंट आएगा 1,30,303। ये था पॉइंट नंबर टू। अब इसी में है और एक पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री, लिखा कैलकुलेट द एनुअल लीज रेंट, फिर से निकालना है टू बी चार्ज सो एज टू अमाउंट 20% आफ्टर टैक्स एनुअल कंपाउंड, मतलब रिटर्न डिस्काउंटिंग रेट 20% ही लेना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। अब दिया है टैक्स रेट दिया है 40%, डेप्रिसिएशन का मेथड है SLM, एनुअल एक्सपेंसेस भी है 50,000 और रिसेल वैल्यू भी दिया 1 लाख, सब की सब है, तो मतलब टेबल बनाना पड़ेगा। यस, पॉइंट नंबर थ्री, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लीज रेंट, पहला जो आएगा वो क्या आएगा, ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट लेना है, 20%, और क्या लेना है अमाउंट, और क्या लेना है प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले सर अब क्या आएगा, कैश आउटफ्लोस, कैश आउटफ्लो में सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मशीन, 0 पीरियड 1, 5 लैक्स, 5 लैक्स। सर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अब सब कुछ आएगा बेटे, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन 5 लाख, सेल्वेज दिया शायद 1 लाख, डिवाइडेड बाय 8, और टैक्स का रेट कितना ले लेना बोल रहा है, 40%, तो
4 लाख डिवाइडेड बाय 8 × 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 × 40% 20,000। वन टू एट फैक्टर तो निकला हुआ है 3.8372, तो 20,000 × 3.8372 तो ये आ गया 7,674। दिस इज टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। अच्छा और भी एक खर्चा था शायद, एनुअल एक्सपेंसेस नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा इसको। तो एनुअल एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स, पैसा जाएगा याद रखना है ना, कितना रुपए है जी 50,000, 1 − 0.4.6, 50,000 × 0.6 30,000, ये पैसा जाएगा 30,000। 1 × 8 3.8372 तो ये आ गया 115,116। सर और क्या आएगा बेटे, और आएगा टर्मिनल वैल्यू, इस बार तो टर्मिनल वैल्यू भी आएगा। कौन से ईयर में? 8th। कितने की बिकेगी मशीन? 1 लाख। एसएलएम मेथड है तो कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि बुक वैल्यू भी उतनी ही बचेगी। सर ये तो पैसा आएगा ना? यस, 1 / 1.20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.2326। तो ये आ गया 23260। तो 5 लाख गया, माइनस 7,674 आया, प्लस 115,116 गया, माइनस 23260 आया, तो ये हो गया 515,112। अब किसकी बात कर लेते, अब बात कर लेते हम लोग कैश इन्फोस की, और रेंटल इनकम लिख दूं, रेंटल इनकम नेट ऑफ टैक्स कितना, एक्स 1 − 0.35, तो यहां लेना पड़ेगा 0.65x, वही तो निकालना है ठीक है, और यहां जाएगा 1 to 8, फैक्टर तो हमको मालूम है 3.8372। तो ये आ गया 2.4942x, 2.4942x। तो ब्रेक इवन लीज रेंटल निकाल लेते हैं थर्ड में भी, ब्रेक इवन लीज रेंट, तो PVCO इज इक्वल टू PVCI 515,112 इज इक्वल टू 2.4942x, तो x की वैल्यू आ जाए 515,112 डिवाइडेड बाय 2.4942, तो लीज रेंट आ गया बेटे 20,652, दिस मिनिमम लीज रेंट। अभी आपके पास कुछ होमवर्क है और होमवर्क आपको करना है, होमवर्क मैं दे रहा हूँ इस बार, अच्छे क्वेश्चन निकाला होमवर्क के लिए, किसी भी हालत में करोगे अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है, एंड क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क है।
इतने क्वेश्चन होमवर्क है, अगली क्लास जब भी स्टार्ट करना इन क्वेश्चंस को कर लेना। हाँ, आपको ऐसा लगेगा सर सेम फिगर है तो फिर आप स्किप कर सकते हो, बाकी तो रिपीट क्वेश्चन है, पूरे के पूरे रिपीट क्वेश्चन, इसलिए मैं क्लास में नहीं करवा रहा हूँ, टाइम खराब होगा आपका। ठीक है, थैंक यू।